हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे आप लोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और नीट 31 ईयर प्रॉब्लम हम कर रहे थे और इससे आगे प्रॉब्लम करते हैं, ठीक है। तो चलो, ये प्रॉब्लम है, ये एक्चुअली काफ़ी फेमस है, ठीक है। और ये काफ़ी बार आपको मॉड्यूल वगैरह में किए भी होंगे और आता भी है, ठीक है। ये भी क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है इसका, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। फिजिक्स में वही चीज़ें जुड़ेंगी और उन्हीं चीज़ों के भी सब्स्ट्रैक्शन और एडिशन पॉसिबल होगा, जिनका नेचर सेम होगा, यूनिट सेम होगा, डायमेंशनल फार्मूला सेम होगा, ठीक है। तो चलो, अब ये हम एक इक्वेशन दिया हुआ है, इस इक्वेशन में आपके वेरिएबल वॉल्यूम है और ये भी कॉन्स्टेंट है। तो ये जो कॉन्स्टेंट है उसका डायमेंशनल फार्मूला निकालना है। थीटा एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, पी प्रेशर है, ठीक है। तो आप देखो, अब आपको पता है कि अगर ये डायमेंशनली एड होते हैं तो किसी एक टर्म, ये जो होता है उसको टर्म बोलते हैं, इसका डायमेंशनल फार्मूला इसके इक्वल होगा और इसके इक्वल होगा, सभी के इक्वल होता है सभी का, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि डायमेंशनली ए कैपिटल बी स्क्वायर पी के इक्वल होगा, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि ए का डायमेंशन प्रेशर पी और वॉल्यूम बी के स्क्वायर के मल्टीप्लीकेशन के बराबर होगा। इसका मतलब ये हुआ, प्रेशर पी का हो गया फोर्स एम एल टी माइनस टू अपॉन एरिया एल का स्क्वायर। फोर्स प्रेशर हो गया फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया, क्लियर है फोर्स। और ये वॉल्यूम का हो गया एल की पावर थ्री, तो ये आ गया सिक्स, मतलब एल की पावर फोर आ गया। और एक एल एम एल की पावर फाइव और टी की पावर माइनस टू, एम एल की पावर फाइव टी की पावर माइनस टू, दैट इज सी ऑप्शन सही है।